एक्वेरियस, लेट्स से इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. ओके, तो लेट्स सी हमारे एक्वेरियस के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है. थैंक यू एक्वेरियस. One more time, please. And Shunya, thank you. Okay. Oh, Aquarius, we have the Three of Swords. And we have the Chariot. Okay, कुछ लोग उभर रहे हैं यहाँ पर. जरिया जरिया ये गाना है ए आर रहमान का. मुझे ये गाना चैनल हो रहा है आपके लिए एक्वेरियस. जरिया कोक स्टूडियो सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर. आप में से कुछ लोगों को ये गाना सुनने की ज़रूरत है. ये गाने में आपके लिए हीलिंग है मेरी जान. वी हैव द एट ऑफ पेंटिकल्स. यस, कुछ लोग उभर रहे हैं डेफिनेटली. एक्वेरियस, अगर आप थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से गुजरे हैं, किसी हार्ट ब्रेक से, किसी चीटिंग से, या कोई आपकी परास्त, कोई हार हुई है, कोई सपना था आपने और उस सपने को आप जीना चाहते थे लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो पाया और आप उस हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, आप उभर रहे हो मेरी जान इस पूरी चीज़ से, क्योंकि आपके पास एक नया जरिया होगा अपनी ऊर्जा को, अपनी पॉजिटिविटी को चैनल करने का. आपके पास एक नई होप होगी कि हाँ, ये नहीं तो मैं इस चीज़ पर काम कर सकता हूँ. तो यहाँ पर जैसे कहते ना कि ईश्वर ने लाज रख ली, ईश्वर ने हमको बचा लिया, ये बेसिकली वैसी एनर्जी है. एक दरवाजा बंद हुआ तो दो और खुल गए. माय गॉड, ये तो बहुत ब्लेस्ड एनर्जी है. माय गॉड, वी हैव सिक्स ऑफ सोर्ड्स एक्वेरियस, वेरी नाइस. या वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल. माइनर अरकाना का ये सन कार्ड होता है. सन कार्ड अपने आप में ही हीलिंग है. माय गॉड, वी हैव द वर्ल्ड एंड वी हैव द टू ऑफ कप्स. कुछ लोगों के लिए रिकंसिलिएशन है. ये अगर लव सिचुएशन में ये ऊर्जा आई थी, आप डिसअपॉइंट हो गए या फिर आप आपने आपने जो चाहा वो चीज़ आपको वैसी नहीं मिली और आप काफ़ी इस ऊर्जा में रहे, आई थिंक आपकी वो रिकन्सिलिएशन है. यहाँ पर सुलहा है और ये चीज़ इस बारे में भी हो सकती है कि अगर आप में से कुछ लोगों ने रिलेशनशिप में कोई धोखा खाया है और आपने अपनी हीलिंग पर काम किया, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स इन अ वर्क का भी कार्ड बन जाता है, राइट. अपने अपने काम से मतलब रखना, अपने ऊपर ध्यान लगाना, तो ये आप अलाइनमेंट में आ रहे हो अपनी ट्रू पोटेंशियल, अपने ट्रू पार्टनर के साथ, अपने सोलमेट के साथ. ओके, ये पर्सन थोड़ा सा हेजिटेट हो सकते हैं शुरुआत में आपके साथ, कि थोड़ा सा ज़्यादा ओपन अपना हो आपसे इन्फॉर्मेशन लेना, लेकिन अपनी इन्फॉर्मेशन ही लेना. किसी किस्म का इम्बैलेंस हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये पर्सन आपको बहुत सोलमेट वाइब्स देगा कि हाँ, एक सोल कनेक्शन महसूस हो रहा है. तो वही चीज़ जो मैं पहले कह रही थी एक्वेरियस की, एक दरवाज़ा अगर बंद होता है तो ईश्वर 10 दरवाजे और खोलते हैं. बस हमारी हमारी नीयत होनी चाहिए उस ऊर्जा को देखने की. तो पॉजिटिव रहने से ही वो चीज़ होती है. तो ट्रस्ट मी, आप बहुत ब्लेस्ड हो. मैं और क्या कहूँ यहाँ पे, बहुत ब्लेसिंग्स को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर किसी ऐसे साइकिल को कंप्लीट करने की भी कोशिश में हैं, जहाँ पर आपकी स्टडी वर्क या फिर आपकी मेहनत, आपके घंटे, जैसे कहते हैं ना हमारे आवर्स लगना, कि मैंने इतने घंटे की स्टडी की है नाज, मैंने इतने घंटे का परिश्रम किया है, मेहनत की है. आई थिंक ये साइकिल भी यहाँ पर ब्यूटिफुली अपने आप को क्लोजर दे रहा है और इस पूरी मेहनत का आपका जो रिवॉर्ड है, उस रिवॉर्ड को भी आप में से कुछ लोग इस वीक में कलेक्ट करने वाले हैं, पाने वाले हैं. तो यस, ये कुछ आपके कलेक्टिव मैसेजेस. अब आपके कार्ड्स की बात करते हैं. थ्री ऑफ सोर्ड्स से एक मैसेज मैं आपको ये भी देना चाहूँगी एक्वेरियस की, मैंने कल भी एक पोस्ट डाली थी अपनी कम्युनिटी पोस्ट में, कि कभी कभी हमें जख्म को भरने के लिए जख्म को छोड़ना पड़ता है. उसे बार बार चेक करते रहोगे, बार बार उसको कुरेदते रहोगे तो वो कभी हील नहीं होगा. तो अगर आपका भी कोई ऐसा घाव है जिसकी आपको लगता है कि शायद कोई दवा बनी नहीं है ना इस दुनिया में, ये ऐसा घाव है, इतना गंदा है कि इसकी कोई दवा है नहीं, इन केस आप ऐसी ऊर्जा में हो,
तो आपकी दवा बस यही है कि उसको छुओ मत बार बार, उस तरफ देखो ही मत बार बार, उस तरफ जाओ ही मत बार बार। ये कुछ लोगों के लिए आपका पास्ट भी हो सकता है कि आप बार 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 पास्ट में जाते हो इस उम्मीद से कि ये बदल जाएगा, ये पर्सन बदल जाएगा, ये हालात बदल जाएगा, लेकिन वो बदल नहीं रहा। तो थ्री ऑफ सोल्स की ऊर्जा हील नहीं हो रही। थ्री ऑफ सोल्स को हील करने के लिए फोर ऑफ सोल्स में जाइए। फोर ऑफ सोल्स क्या है यहाँ पर? सरेंडर, प्रेयर्स, मेडिटेशन, इनर हीलिंग, अपने अपनी ऊर्जा पर ध्यान लगाना, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बाहर निकालना और अपने अपने अस्तित्व को अपना मेन फोकस बनाना। ओके, तो इस वीक में कुछ लोगों को डेफिनेटली इस डीप इनर हीलिंग वर्क में टैप इन करने की जरूरत है। आपको जरूरत है मेरी जान, जिसको भी मैसेज मैं दे रही हूँ, अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, आपको पता है कि आपको इसकी जरूरत है। थ्री ऑफ सोल्स कोई ईजी एनर्जी नहीं है मेरी जान टैरो में, राइट? तो बार बार मत अपने जख्म को छेड़ो और उसे भरने दो। यहाँ पे चैरियट से और सिक्स ऑफ सोल्स से कुछ लोगों के लिए इस वीक में बहुत ही ब्यूटीफुल और सिग्निफिकेंट ट्रैवल हो सकती है। ये ट्रैवल के लिए हो सकता है कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी ऑलरेडी कर रखी है कि हाँ, इसमें ये सामान लेकर जाना है, हमको यहाँ यहाँ घूमना है, ये करना है। अगर ये प्लान्ड ट्रैवल है तो यस, ये बहुत सक्सेसफुल होने वाली है आपकी। और इन केस आप किसी लॉन्ग ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो तो आपको यही सजेस्ट करूंगी मैं, मेक श्योर कि आपके पास जरूरत की सारी चीजें मौजूद हों। ओके, और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, अगर पासपोर्ट है फॉर एग्जांपल, या कोई और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसे सेफ जगह में रखिए। बच्चे हैं अगर आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी पहुंच से उस चीज़ को बाहर रखिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ी आपके बच्चों के द्वारा होती हुई नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा इस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को मदद लेने के लिए ओपन रखना है एक्वेरियस, क्योंकि सिक्स ऑफ सोल्स में मैं एक हेल्पिंग हैंड आपके लिए देख सकती हूँ, लेकिन ये मदद तब तक नहीं आपको मिल सकती जब तक आप ये एक्नॉलेज ही नहीं करते कि हाँ भाई, मुझको मदद की ज़रूरत है। ये किसी मेंटल प्रॉब्लम के बारे में हो सकता है, लेकिन आपको शायद उस चीज़ में शर्मिंदगी हो रही है कि अगर मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो पता नहीं क्या। ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, आजकल इतना तनाव का समय है कि कभी भी कुछ भी, हमारी कोई भी ऐसी तकलीफ से हम सभी गुजर सकते हैं, कोई उसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। आपको मदद की ज़रूरत है, मदद लीजिए, आपके लिए मदद जो है प्रेजेंट अपने आप हो जाएगी। ओके, चैरियट से कुछ लोग यहाँ पर सक्सेस के लिए भी रेडी कर रहे हैं अपने आप को, खास करके अगर आप एक स्टूडेंट हैं, या आपने रिसेंटली अपना कोई करियर की शुरुआत की है, कोई नई जॉब हो सकती है, पहली जॉब हो सकती है, आई थिंक आप यहाँ पर नेक्स्ट लेवल में जाने वाले हो। आप जैसे उस चीज़ के लिए तैयार हो रहे हो, ये कोई नेक्स्ट लेवल की प्रमोशन हो सकती है, या फिर नया ऑफिस हो सकता है, नया प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन ये चीज़ आपके कॉन्फिडेंस में बहुत बढ़ा एक बढ़ोतरी करेगा, एक इजाफा करेगा। सो यस एक्वेरियस, आप एक फ्रेश एनर्जी को भी महसूस करेंगे इस वीक में। आप में से कुछ लोग अपने कपड़ों को भी, अपने वार्डरोब को यहाँ पर बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मुझे बहुत ही प्रोफेशनल कपड़े बाय करते हुए आप नज़र आ रहे हो इस वीक में। ओके, तो वेरी नाइस एक्वेरियस। एस ऑफ पेंटिकल्स और एट ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड किसको नहीं चाहिए, वो ऊर्जा किसको नहीं चाहिए, राइट? सो यस एक्वेरियस, आप अबंडेंस में आ रहे हो, आप पैसे को खींच रहे हो, आप सुख शांति को खींच रहे हो अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर जॉब की तलाश में हो आप इस वीक में नया जॉब ऑफर पा सकते हो। और इनके साथ में से कुछ लोग अपना काम करते हैं, माने कि आपका खुद का बिजनेस है यहाँ पर, तो आप एक क्लाइंट्स जो है बहुत अट्रैक्ट कर सकते हो, और आप काफ़ी बिजी रहोगे उस लिहाज से इस वीक में। जिन लोगों के पास अपना काम है, मैं आपको एक सलाह दूंगी कि अगर आप घर से काम कर रहे हो तो मेक श्योर कि जो भी आपका स्पेस है वो क्लीन है, उसको ऐसे गंदा बना के नहीं रखना कि जस्ट बिकॉज घर में है तो घर में कौन सा कोई देखेगा। नहीं, एक डिसिप्लिन लेकर आओ, घर को साफ रखो, अपने ऑफिस को साफ रखो, और वही ऊर्जा और अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में आपकी मदद करेगी। ओके, आप में से कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आपको किसी किस्म के प्लानर के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, ताकि आप यहाँ पर किसी डेडलाइन को मिस कर रहे हैं बार बार, तो वो एनर्जी को आप बार बार रिपीट ना करें उस मिस्टेक को। तो किसी किस्म का प्लानर है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हैं तो आप अपने पर्सन से कोई गिफ्ट पा सकते हैं इस वीक में,
और ये चीज़ आपको बहुत हैप्पीनेस देगी। फॉर सम रीज़न वो मुझे कार्ड दिखा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड। पॉसिबल है कि आपके स्पाउस आपके कहें कि ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड और जितनी शॉपिंग करनी है कर लो, तो आप बड़ा पैम्पर्ड महसूस करोगे, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर रिलेशनशिप के लिहाज से। कुछ लोगों को यहाँ पर प्रपोजल्स भी मिल सकते हैं, यू नो, आपके पार्टनर अपने आपके रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना, क्योंकि ये फैमिली आ जाती है एट ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पर एट नंबर से। तो शायद आप अपने पेरेंट्स को भी अपने रिश्ते के बारे में बता सकें, या फिर यू नो अपने फ्रेंड सर्कल में ही अनाउंस करना कि हाँ हम रिश्ते में हैं। लेकिन किसी किस्म की पब्लिक एनर्जी, कुछ पब्लिक हो रहा है यहाँ पर आपके रिश्ते को लेकर, और ये ब्यूटीफुल एनर्जी है अपने आप में। और वर्ल्ड कार्ड पे यही बताता है कि कुछ लोग एक एक चैप्टर को क्लोज करके कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट जर्नी है इस वीक में आपकी जो शुरू हो रही है। आप में से कुछ लोग अगर किसी किस्म के एडिक्शंस को भी ठीक करने की कोशिश कर रहे थे विद द थ्री ऑफ सोल्स एंड विद द वर्ल्ड कार्ड, आई थिंक आप उस उन एडिक्शन से भी ओवरकम कर पाओगे अपने आप को। मुझे आपके घर में भी नया फर्नीचर, घर में नया सामान या डेकोरेशन का सामान आता हुआ नजर आ रहा है। पॉसिबल है कि कुछ लोगों के एक्चुअल में ये कोई वेडिंग, कोई रोका, कोई यू नो, क्योंकि मुझे डेकोरेशंस दिख रही है, खासकर गेंदे के फूल दिख रहे हैं मुझे। तो ये कोई सेलिब्रेशन हो सकता है रिलेशनशिप्स को, यू नो, रिलेशनशिप्स को लेकर। रिंग सेरेमनी भी हो सकती है कुछ लोगों की है। ओके, लेट्स सी। अगर आप में से कुछ लोगों के कोई ऐसे स्किन प्रॉब्लम्स आ गई थी कि आपके 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 लिए यू नो कपड़ा पहनना भी मुश्किल हो रहा था कि जलता है या फिर उसके साथ वो चिपक जाता है, आई थिंक आपके वो जख्म में एक आराम आएगा। वो मुझे जख्म जो है वो सूखता हुआ नजर आ रहा है, विच मीन्स कि वो अब हील हो रहा है। ओके, सो या तो स्किन जल गई या फिर स्किन में कुछ हो गया या कट आ गया, लेकिन वो मुझे आप हील होते हुए नजर आ रहे हो यहाँ पर। ऑलराइट एक्वेरियस, लेट्स सी। वन मोर टाइम प्लीज एंड शून्य। ओके, ओ वाओ, वी हैव लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस, यस। ओके, आप में से कुछ लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त विजन्स नज़र आने वाले हैं। आपके ड्रीम्स बहुत सिग्निफिकेंट होंगे एक्वेरियस इस वीक में। आपको खास करके मून जैसे होता है ना, मून बहुत दिखेगा, या रात के समय के जो जैसे सपने में रात को देखना, रात के नज़ारे को देखना, ऐसी एनर्जी बहुत चैनल होगी। और ये ऊर्जा आपकी फियर, आपके खुद के जो डर हैं जीवन को लेकर, या फिर जो ये सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं इनको लेकर, इस डर से उभरने में आपकी मदद करेगी। अगर आप में से कुछ लोगों को आंख बंद करने से डर लगता है, कि जैसे आप फॉर एग्जांपल आप नहा रहे हैं और आपने मुंह पर साबुन लगाया है और आपके एकदम से मन में डर आ गया कि मुझे अपनी आंखें खोलनी है जल्दी से, तो आप किसी किस्म के फोबिया में जी रहे हो, राइट? तो लेकिन आप जैसे उभर रहे हो इस चीज़ से, और जैसे लॉर्ड शिवा की एनर्जी आपकी मदद कर रही है डर के ऊपर जीत हासिल करने में। Rise up, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe. तो आपको सहारा दिया जा रहा है, बेसिकली यही कहा जा रहा है ना, steps are being given, आपको सहारा दिया जा रहा है ताकि आप अपने इस हार्ट ब्रेक की एनर्जी से उभर कर जीवन में कुछ अच्छा कर सकें, आगे बढ़ सकें। लेडी नाडा हार्ट अवेकनिंग, डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में आ रहे हैं मेरी जान, कमिटमेंट में आ रहे हैं, अपने ट्रू सोलमेट के साथ मिल रहे हैं, और ये पर्सन आपको बहुत प्यार देगा। अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, यस, ये डिवाइन लव की एनर्जी है। गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, मेक श्योर कीजिएगा कि इस रिलेशनशिप में आप अपने पास्ट की गलतियों को मत दोहराएं, जहाँ पर अगर किसी किस्म का इम्बैलेंस था उस पैटर्न को आपको रिपीट नहीं करना है, बैलेंस में रहना है। कर्मा रिलीजिंग सेंट चरमेन, तो आप में से कुछ लोग यहाँ पर किसी कार्मिक पार्टनर को भी हो सकता है कि रिलीज कर रहे हैं,
कोई कार्मिक पार्टनर, कोई कार्मिक रिलेशनशिप, यू नो फ्रेंड्स के रूप में भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको सोच के आपके मन में बहुत सारे हेटफुल थॉट्स आना, गुस्से वाले थॉट्स आना, इस पर्सन के साथ भी आपका कोई कार्मिक रिलेशन था और आप इसको रिलीज कर रहे हो. मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी. कंपैरिजन से बचिए, मुझे एक मैसेज ये मिल रहा है इन स्टेटमेंट से, कंपैरिजन से बचिए. इस पर्सन के साथ जो आपकी कॉर्ड जुड़ी हुई है उसका जो शब्द है वो है कंपैरिजन. आप अपने आप को कंपेयर जितना करते हो इस पर्सन के साथ उतनी ही कॉर्ड मजबूत होती है, तो वो मत करो. जितना वो कम करोगे उतना ही वो कॉर्ड ढीली होगी और एक वक्त पर कट जाएगी. वी हैव द डिवाइन डायरेक्टर इंटरवेंशन एंड पर्पस. डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग नाउ. सॉरी, Know that you are being guided. Happiness is your purpose. Yes, happiness is your purpose, Aquarius. खुशी को चूज करना, क्योंकि ये हो गया, आप गुजर इस, ये मतलब इनफ है. जितने आंसू बहाना था आपने बहा लिए, अब बस और नहीं. अब खुशी, अब तरक्की, अब तंदुरुस्ती, ट्रू लव, डिवाइन लव, ब्लेसिंग्स, मनी, अबंडेंस, हैप्पी मनी, ये सब चीज़ें आपको यू नो अट्रैक्ट करनी है अपनी तरफ. ओके, सो यस एक्वेरियस, ये आपकी रीडिंग है. आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं. मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. ओके, तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय.